नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPSC PT 2022 के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम हुआ था कंडक्ट 31 मई को और काफ़ी टाइम हो गया है। सभी को इंतज़ार होगा कि आखिर में रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि इसी से स्ट्रेटेजी फिर तय होगी कि हमको फिर इसके बाद मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करना है। सो गाइस, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए बात करते हैं पीटी की। एक्चुअल में पीटी का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आने का बेसिक रीजंस था नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर। 457 जो है पदों पर अपॉइंटमेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर कश्मकश की स्थिति थी कि शायद नंबर ऑफ पोस्ट जो है इंक्रीज होगी, तो इसके लिए आयोग ने जो है पत्राचार किया था गवर्नमेंट से, एमपी गवर्नमेंट से, कि नंबर ऑफ पोस्ट के रिगार्डिंग कितने खाली है वगैरह इसके संबंधित। और ये अपेक्षा की जा रही थी कि नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट शायद इंक्रीज ना हो। इसीलिए अब स्थिति क्लियर है और आयोग जल्द ही रिजल्ट को जारी करने वाला है, तैयार हो गया है। तो प्रश्न होता है कि एक्चुअल में जो रिजल्ट है कब आएगा। तो रिजल्ट है जो आने वाले आगामी 7 दिनों के अंदर मिल जाएगा, या हम कहें नेक्स्ट वीक में या आ जाएगा, ठीक है। तो इन आने वाले दिनों में जल्द ही रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना है। तो जब रिजल्ट भी आएगा तो हमें पता है 87% रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा यहाँ पर शामिल है। तो उसके अकॉर्डिंग पदों का जो है क्लासिफिकेशन हो रहा है, क्लासिफाइड किया जा रहा है और फिर रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी नंबर ऑफ पोस्ट होते हैं उसके कितने गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, कट ऑफ क्या रहता है, ये मायने करेगा। चलिए, तो 1.88 जो लाख कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम को, लगभग इतने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था। तो जल्द ही रिजल्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही।